24/7 बेसिस पे हमेशा रेडी रहती है, जहाँ पर भी वो तैनात रहती है। और जैसे ही इसका कॉल आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का कि हमारे इस पर प्रॉब्लम हो गई है जो हमारे मेंस में नहीं है, तो उस हिसाब से स्पेशलिस्ट रिस्पांस के लिए एनडीआरएफ तैनात रहती है और रिएक्ट कर लेती है। अभी हमने इस मॉक एक्सरसाइज के लिए एक टीम बठिंडा से बुलवाई है, और नियरेस्ट हमें लगा कि यहाँ पर 2-3 लोकेशंस पे ऐसा हुआ है, तो हमने अपनी नज़दीक वाली टीम जो पठानकोट के पास नूरपुर में डिप्लॉयड है वहाँ से भी एक टीम को मोबिलाइज़ किया है। तो इस शहर में इस समय 2 एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं, और उन्होंने आते ही सिविल प्रशासन से मौके का जायज़ा लिया है कि कहाँ पर क्या हुआ है। उनको खबर मिली है कि कुछ लोग दब गए हैं, कुछ लोग संभावित डेथ भी है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जो कुछ मलबे में ऐसे दबे हैं कि जो सबके बस का नहीं है निकालना, लेकिन एनडीआरएफ के बस का है ये, और एनडीआरएफ ट्रेन भी इस काम के लिए की गई है। उन्होंने वो काम किया है सिविल प्रशासन के साथ में, और इस ड्रिल के दौरान जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं स्टेट के, उनको भी रिहर्स किया जाता है कि कागजों में जो लिखा है वो ग्राउंड में कैसे किया जाए। ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।